हेलो फ्रेंड्स, आप भी यदि बिहार से हैं और आप स्पेशल एजुकेटर जो है बनना चाह रहे हैं तो आपके लिए यहाँ पर गुड न्यूज है, क्योंकि बिहार सरकार जो है आपके 7000 पदों पर जो है विशेष बच्चों के लिए जो है आपको आपके शिक्षकों की जो है भर्ती करने वाला है। तो यहाँ पर इसके बारे में हम बात करेंगे कि यहाँ पर बिहार के लिए क्यों बोले, बाकी यहाँ पर हम योग्यता के बारे में बात करेंगे और इसके अलावा हम यहाँ पर बात करेंगे कि आपकी वैकेंसी जो है वो कब तक देखने को जो है वो मिल सकती है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए, आज के न्यूज़पेपर में जो है यहाँ पर दिया गया है कि विशेष बच्चों के लिए जो है वो आपके 7000 पदों पर जो है वो शिक्षकों की भर्ती जो है वो देखने को मिलेगी। तो देखिए, इसमें जो है आपका समय जो है वो नहीं लगेगा, जिस तरीके से आपका 7वें चरण में लग रहा है कि नियमावली आएगी, फिर स्वीकृति जाएगा, फिर कैबिनेट में मंजूरी के लिए जाएगा, फिर उसके बाद आपका नोटिफिकेशन वगैरह जो है वो आपका जारी किया जाएगा। तो इसमें इस तरीके का कोई भी जो है आपका डिले जो है वो नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि यहां पर जो आपके 7000 पद बताए जा रहे हैं तो इसकी जो पदों का सृजन है ये जो है आपकी कल ही कैबिनेट से जो है वो आपकी मंजूरी जो है मिल गई है। तो इसलिए जो भी देरी होगा वो विभाग की तरफ से जो है आपका देरी होगा नोटिफिकेशन वगैरह जारी करने को लेकर, बाकी यहां पर कोई मंजूरी वगैरह का जो है कुछ भी आपका प्रोसेस नहीं है, क्योंकि यहां पर जो आपका पदों का सृजन है और जो आपकी भर्ती करने का प्रक्रिया है ये आपका कल ही जो है कैबिनेट से जो है यहां पर स्वीकृति जो है आपकी मिल चुकी है। बाकी हम यहां पर दूसरा यहां पर बात करेंगे कि केवल हम बिहार के लिए क्यों बोले। देखिए, बहुत सारे आपने न्यूज़ वगैरह देखा होगा या फिर बहुत सारे जो मतलब जो टीचर वगैरह हैं या फिर कुछ उस तरीके के लोग हैं जो मतलब एक तरीके से सही न्यूज इन्फॉर्मेशन वगैरह देते हैं, तो आपने देखा होगा कि उनका कहना है कि 7वें चरण में या फिर बिहार की जो शिक्षक बहाली वगैरह है उसमें जो है सिर्फ और सिर्फ अब क्या करेंगे कि बिहार के कैंडिडेट ही जो है वो एलिजिबल हो पाएंगे। तो इसलिए हम इसमें भी बोल रहे हैं कि हो सकता है कि शायद अदर स्टेट के कैंडिडेट को जो है जिस तरीके से जनरल कोटा मिलता है तो जनरल कोटा भी जो है आपका न मिल पाए, सिर्फ और सिर्फ जो है बिहार के कैंडिडेट ही जो है वो आपके एलिजिबल हो पाएंगे। बाकी आपका कंप्लीट नोटिफिकेशन वगैरह आने के बाद जो है आपका कंफर्म हो जाएगा, लेकिन मैक्सिमम चांस यही है कि जिस तरीके से अदर स्टेट के कैंडिडेट को जो है जनरल कोटा में जो है फॉर्म भरने का मौका जो है मिलता है तो इसमें भी जो है वो आपको मौका जो है वो मिलेगा, बाकी नोटिफिकेशन आने के बाद जो है वो आपका कंफर्म हो जाएगा। बाकी हम यहां पर बात करने वाले हैं योग्यता को लेकर, एलिजिबिलिटी को लेकर। तो देखिए, यहां पर क्या होता है कि जो आपके विशेष बच्चे होते हैं तो इसके लिए भी जो है वो आपको आपके पास जो है स्पेशल एजुकेशन होना चाहिए, और यहाँ पर नॉर्मल जिस तरीके से आपका नॉर्मल डीएलएड या फिर बीएड वगैरह होता है ये जो है इसके लिए एलिजिबल नहीं होता है। इसमें जो है आपका स्पेशल बीएड या फिर जो है आपका स्पेशल जो है आपका डीएलएड जो है होना चाहिए। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप प्राइमरी का टीचर बनना चाह रहे हैं तो आपके पास 10+2 होना चाहिए, फिर उसके साथ जो है आपका स्पेशल एजुकेशन का जो है आपका डीएलएड होना चाहिए, फिर आपका छः महीने का जो है कोई कोर्स जो आपका स्पेशल एजुकेशन वगैरह का है। फिर इसके अलावा भी आप बीएड के हों या फिर इसके अलावा भी आप कोई भी कोर्स किए हों तो आपका वो कोर्स जो है आपका स्पेशल एजुकेशन का जो है होना चाहिए, तभी जो है आप विशेष बच्चों के लिए मतलब स्पेशल जो बच्चे होते हैं उनके लिए जो दिव्यांगता वगैरह के जो कैटेगरी में आते हैं उनको पढ़ाने के लिए जो है यहां पर शिक्षकों की जो है आपकी भर्ती जो है आपकी की जाएगी। बाकी यहां पर देखिए, एक तरीके से कंफर्म जो है वो यहां पर क्लियर जो है आपका नहीं कहा जा सकता है जब तक जो है आपका नोटिफिकेशन वगैरह जो है आपका नहीं आ जाता है तब तक। बाकी इतना आप कंफर्म समझिए कि विशेष बच्चों के लिए मतलब स्पेशल बच्चों को पढ़ाने के लिए जो है आपके पास स्पेशल एजुकेशन भी जो है यहां पर आपका जो है आपके पास जो है होना चाहिए। बाकी यहां पर हम बात करने वाले कब तक आपकी वैकेंसी आ जाएगी, तो देखिए हमने पहले ही बता दिया कि कैबिनेट से जो है वो आपकी स्वीकृति मिल चुकी है कल ही, बाकी इसमें जो कुछ भी डिले वगैरह आपका होगा तो ये डिले जो है आपका विभाग वगैरह में जो है आपका समय लगेगा कि किस तरीके से हम भर्ती वगैरह करेंगे और किस तरीके से आपका रिजर्वेशन वगैरह जो है वो हम यहाँ पर जो है फॉलो करेंगे। तो जैसे ये सब मामला आपका क्लियर होता है जल्द ही जो है आपका इसका जो है नोटिफिकेशन जो है वो देखने को मिलेगा। बाकी जो कोई भी अपडेट वगैरह होगा हम जो है वो शेयर कर देंगे। बाकी आप 7वें चरण की शिक्षक बहाली या फिर सीटेट जुलाई 2023 या फिर UPTET सुपर TET मतलब आप शिक्षक जगत से जुड़े हैं तो राइट टू एजुकेशन सोनभद्र प्लेटफॉर्म को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो कोई भी अपडेट इन्फॉर्मेशन वगैरह होता है हम जो है वो शेयर कर देते हैं। बाकी आप टेलीग्राम से जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा, कमेंट बॉक्स में जो है आपको टेलीग्राम का लिंक जो है वो देखने को मिलेगा। जो कुछ भी PDF नोट्स वगैरह होता है हम जो है वो टेलीग्राम पर शेयर कर देते हैं। थैंक यू।